यूपी के हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची से दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में बाइक सवार युवक ने घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को अगवा किया, जिसके कुछ घंटों बाद बच्ची एक खेत में मिली। मेडिकल जांच में उससे रेप की पुष्टि हुई है। बच्ची फिलहाल मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया है और चोटें इतनी हैं कि सर्जरी करना मुश्किल है। शनिवार को सफल ऑपरेशन कर मल मूत्र के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है। वहीं आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है, जिसको देखते हुए पुलिस ने आरोपियों का स्केच जारी कर उन्हें पकड़ने के लिए 8 टीम गठित की है। इस घटना को लेकर पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। 7 रेप की सूचना मिली है और उसके मौके पर पुलिस पहुंच करके बच्ची को हॉस्पिटल भेजा और उसका उपचार कराया जा रहा है। घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर मुकदमा करके कायम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके। मित्रों, मैं सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी बात कर रहा हूँ और आज का मुद्दा है हापुड़ में 6 वर्ष की बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला गया है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, उसको छोटे अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कर दिया छुपाने के लिए, बड़े अस्पताल में रेफर नहीं कर रहे हैं, उसकी जान भी जा सकती है, वो मुद्दा है जो बात करना चाह रहा हूँ। हापुड़ में ये घटना हुई है और इस घटना को छोटी घटना नहीं मानना चाहिए, ये निर्भया से कम घटना नहीं है। निर्भया का कांड जो हुआ था उसमें छोटे विपन्न परिवार की बच्ची है, पुलिस उसको उस दरोगा उसके परिवार का मुंह बंद कर रहे हैं ताकि मीडिया में ना बोले, उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, ये मुद्दा है आज का। पता नहीं क्यों ये सरकार अपराधों को छुपा के सोचती है अपराध खत्म हो जाएंगे, कोरोना के फैक्ट को छुपा के समझते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, वो फैलता रहता है, अपराध बढ़ रहे हैं, रोज बलात्कार हत्या अपहरण रोज हो रहे हैं, चेन स्नेचिंग बहुत हो रही है, सब घटनाएं हो रही है। कोई व्यक्ति अगर बोलता है आलोचना करता है FIR दर्ज करा के समस्या खत्म नहीं होती है, समस्या यथावत रहती है, लोगों की आवाज़ कुचलने से लोगों की आवाज़ बंद नहीं होती है, वो आज नहीं तो कल उठेगी वो बात, ये लोकतंत्र है। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे कोई आपके विरुद्ध लिखता है तो आप अपने मीडिया सेल से उसके ट्रोलिंग करा के गाली गलौज करा के समस्या को दबा नहीं सकते हो आप अपने को कुशासन या कुशासन के स्थान पर सुशासन ट्रेंड करा के उससे बड़े नहीं हो जाते हो आप, वो सच्चाई नहीं है। आप नंबर एक CM को प्रायोजित करा के करा देना, डिक्लेयर करा के प्रसन्न हो रहे हो तो वो कोई बड़े दिल की बात नहीं है, वो लोग परेशान हैं, हत्याएं अपहरण लूट प्रतिदिन हो रहे हैं, कोई दिन नहीं जा रहा है। ये मैं नहीं कहता पूरी सरकार में नहीं होता था, सब में होता था, लेकिन निराकरण तो करें आप, खाली मीटिंग करने से घूमने से खत्म नहीं होगी समस्या। हापुड़ में तो कल आप मेरठ मंडल की समीक्षा तो आप नोएडा में कर रहे थे, पूछ लेते एक जय दया की दृष्टि से उस बच्ची के साथ क्या हुआ, और उन लोगों ने नहीं बताया अधिकारी ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी यार, वो एक छोटी घटना नहीं है। मैं कहता हूँ कि चाहे कोई नमक रोटी जो मिड डे मील में बात उसकी बात उठाता है या कोई कोरोना के तथ्यों को उजागर करता है पत्रकार, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने से समस्या खत्म नहीं होनी है। आप उसका निराकरण करिए तभी कल्याण होगा लोगों का, लोग मर रहे हैं, परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है लोग भूखे मर रहे हैं लोग, और फिर अपराध ऊपर से हो रहे हैं। दूसरी तरफ बच्ची का इलाज मेडिकल अस्पताल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची के पिता खुद ही स्ट्रेचर खींचते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बच्ची को ऑपरेशन के लिए दूसरे वार्ड में लेकर जाना था, लेकिन कोई वार्ड बॉय नहीं था, इसलिए वे खुद ही स्ट्रेचर खींच कर ले गए। इस मामले पर मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक प्रदीप कुमार का कहना है कि यह उनके संज्ञान में नहीं है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।